व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नहारी बहुत ही सिंपल तरीके से। आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यह आधा किलो गोश्त लिया है। मैंने इसको अच्छे तरीके से धो करके चन्नी में रख दिया था और इसका पानी निकाल लिया है। चलिए सब्ज़ी बनाते हैं। देखिए कुकर को मैंने पहले से ही चूल्हे पर रख दिया था। इसमें ये वाले 2 बड़े चम्मच भर के सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। इसके अंदर ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको इतना फ्राई करूंगी कि बस बोटियों का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए बोटियों का कलर चेंज होने लगा है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। अब मैं इसमें कुछ मसाला ऐड करूंगी। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है, इसको इसमें ऐड कर दूंगी। और ये 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट है, इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने 2 प्याज लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें मैं ये थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी। टेस्ट के हिसाब से भी इसमें नमक ऐड कर दूंगी। अब इन सभी को चलाऊंगी। देखिए मैंने इनको चला दिया है। अब मुझे इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें और कोई भी मसाला ऐड नहीं करने हैं, बस इसी की भुनाई करनी है। इसकी भुनाई मुझे मीडियम फ्लेम पर ही करनी है। इसकी भुनाई हो रही है, इतनी देर में हम अपना नहारी का मसाला रेडी कर लेते हैं। अगर आपके पास नहारी मसाला मार्केट का हो तो वो डाल दें आप इसमें, लेकिन मैं घर का ही बनाती हूँ। देखिए नहारी मसाला बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये मैंने 6 लाल मिर्च लिए हैं। मिर्च आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। ये 2 तेज़पत्ते लिए हैं। 1 चम्मच भर के मैंने मोटा धनिया लिया है। और ये 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है। 1/2 चम्मच ज़ीरा लिया है। और ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम शाहजीरा लिया है। ये 8-10 काली मिर्च लिए हैं। 3-4 लौंग हैं। 1 टुकड़ा जायफल का है। और ये 1 छोटा सा टुकड़ा जावित्री का है। और ये 1 टुकड़ा दालचीनी का है। इन सभी मसालों को मैं मिक्सी के जार में ऐड करके इनको पीस लूँगी। देखिए मिर्चियों को तो काट के डाल दूँगी, जिससे कि पिस आसानी से पिस जाएँ। इन मसालों को भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इन सबको पीस लूँगी। देखिए ये हमारा नहारी मसाला पिस करके रेडी है। अब मैं इसकी प्याले भी निकाल दूँगी। ये नहारी मसाला हमारा 1/2 किलो से 3 पग गोश्त के लिए काफ़ी है। इसी तरीके से आप ज़्यादा, अगर आपको गोश्त बनाना है तो ज़्यादा मसाला ले करके और उसको पीस लें और नहारी मसाला रेडी कर लें। अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं भुनाई हुई है नहीं। देखिए अभी तो भुनाई में कसर है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें इसकी फाइनल भुनाई करनी है, क्योंकि हमें जो मसाला पीसा था इसको डाल के इसकी बिल्कुल ही भुनाई नहीं करनी है। भुनाई हमें इसी मसाले की करनी है। ये भुनाई करते वक्त हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी तो उसमें डाल ही दिया था और थोड़ा पानी हमारा गोश्त भी छोड़ेगा, तो इसी पानी में इसकी भुनाई हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालें, इसी की भुनाई कर लें। देखिए ये मसाले की भुनाई हो चुकी है। अब ये जो मसाला हमने पीसा था वो पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे, बस इसको मिक्स ही करेंगे, ज़्यादा इसकी भुनाई वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि अगर इसकी हम भुनाई करने लगे तो मसाला हमारा जलने लगेगा, फिर नहारी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए मैंने इसको बस थोड़ा सा चलाया है। अब मैं इसमें ये 1 गिलास भर के, ये 1 गिलास से ज़्यादा पानी है इसमें, करीब 1.5 गिलास है, मैं पूरा पानी इसमें डालता हूँ। इसको मिक्स करूंगी। अभी चम्मच से इसका हटा लूंगी इसमें से और इसका ढक्कन लगा दूंगी। अब मैं इसको फुल फ्लेम पे इस पर 1 सीटी लूंगी, उसके बाद फ्लेम को लो कर दूंगी और फिर इसको लो फ्लेम पर ही 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। 20 मिनट पकने के बाद इसकी जो स्टीम होगी उसको मुझे निकालने नहीं है, ऑटोमेटिकली इसकी स्टीम को निकलने देना है। उसके बाद हम इसको खोलेंगे।
देखिए सीटी आ चुकी है, फ्लेम को लो कर देंगे। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब मैंने देखिए तवा लिया है, देखिए मैंने एक चम्मच भर के तो बेसन लिया है और एक चम्मच भर के आटा लिया है। इसको इस पे डाल देंगे और इसको सेक लेंगे। तब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी, इतनी देर तक हम इसको सेकना है। देखिए सिक चुका है, फ्लेम को तो ऑफ कर देंगे। इसको किसी भी बाउल में या किसी भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए मैंने इसको इसमें निकाल लिया है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग इसको कच्चा ही डाल देते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए सेका है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका ये घोल बना लूँगी इस तरीके से। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, इसको अच्छी तरीके से हम घोल लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है ये। अब मैं इसमें ये पूरा पानी, एक गिलास इतना पानी है, ये पूरा पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए इसको 20 मिनट गलाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया था, फिर इसकी स्टीम को निकलने दिया है। अब इसको चेक करते हैं। अब देखिए जितना भी इस पर जो ऊपर रोगन दिख रहा है इसको हम निकाल लेंगे, जितना हो सकेगा उतना हम इस पर से ऊपर से सारा तेल हटा लेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना तेल निकाल लें, क्योंकि हम ये जो आटा और जो बेसन का जो हमने घोल बनाया था इसको डाल के पकाएंगे तो इससे सारा जो तेल है वो उड़ जाएगा, तो इसलिए इसको हम बाद में डालेंगे। इस तरीके से टेढ़ा करके निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल इसमें से निकल जाए। देखिए ऑयल मैंने इसमें से निकाल लिया है, इसको हम बाद में डालेंगे। अब चूल्हे कर देंगे चालू और जो हमने ये आटे का घोल बनाया था इसको चलाएंगे और धीरे धीरे करके इसमें डालेंगे और इसको चलाते जाएंगे। इसी गाढ़ा नहीं हो ज़्यादा। देखिए ये मैंने पूरा घोल इसमें डाल दिया है। मैंने एक गिलास भर के पानी लिया है, ये पानी भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ा सा बचाया मैंने, इसमें पूरा डाल दिया। अब इसको मैं एक उबाल ले लूँगी, फिर उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही पकाऊँगी, जिससे कि आटा अच्छे से इसमें पक जाएगा, इसमें बॉईल नहीं आ जाए। तब तक हम इसको ऐसे चलाते हुए ही पकाएंगे, वरना आटा नीचे बैठ जाएगा। इसको इसे पकाते वक्त अगर आपको लगे कि गाढ़ा हो गया तो इसमें पानी और डाल दें। पानी आप कम ज़्यादा आपके हिसाब से कर सकते हैं, जितना पतला आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। मैंने अभी एक गिलास पानी डाला है। अब मैं देखती हूँ इसको ये बॉईल आए तब तक इसकी क्या कंडीशन रहती है। अगर ये गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसमें और पानी डाल दूँगी, और अगर सही रहेगा तो मैं इसको ऐसे ही पकाऊँगी। अगर आप इसमें दही डालना चाहो तो जिस वक्त हमने लहसुन अदरक की भुनाई की थी उस वक्त ही दही भी डाल करके उसकी भी भुनाई कर लें, लेकिन मैंने दही इसमें नहीं डाला है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा अचार डालूंगी, नींबू डालूंगी इसलिए। देखिए अभी इतना पतला है लेकिन पकते पकते गाढ़ा हो जाएगा। देखिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ, ये हमने 20 मिनट गोश्त को गलाया था तो ये देखिए इतनी अच्छी तरीके से हमारा गोश्त गल चुका है। अगर आपको ज़्यादा गलाना हो तो आप इसको थोड़ी देर और पका लें। मुझे थोड़ा सा इसको साबुत साबुत ही रखना है इसके पीसेस को, इसलिए मैंने इसको 20 मिनट गलाया है। देखिए इसमें उबाल आने लगा है। अब मैं ये फ्लेम को लो कर दूंगी और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको 15 से 20 मिनट और पकाएंगे। देखिए इसको लो फ्लेम पर पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए ये शोरबा, देखिए इसका गाढ़ा हो चुका है, देखिए इस तरीके से।
मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। अगर आपको और गाढ़ा करना है तो आप थोड़ी देर और पका लें, लेकिन मुझे इतना ही रखना है इसलिए मैंने इसको इतना बंद कर दिया है। अभी जो ऑयल निकाला था हमने, ये ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा बचाएंगे। देखिए देखिए मैंने थोड़ा सा बचाया है, इसको हम बाद में डालेंगे। फ्लेम को तो ऑफ कर दिया है, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ। सब्जी को मैंने डिश आउट कर लिया है, अभी जो बचाया था मैंने थोड़ा सा रोगन, इसको मैं ऊपर से डाल दूँगी इसमें। अब इसमें मैं देखिए थोड़ी सी कटी हुई बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, थोड़ी फीकी वाली मिर्ची है, फीकी वाली मिर्ची इसमें क्या ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए आप भी हो सके तो मिर्चियाँ ये जो हैं वो फीकी लें। ये थोड़ी मैंने अदरक थी इसको बारीक बारीक काट लिया है, इसको भी इस पर डेकोरेट कर दूँगी। ये अदरक और हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये नींबू में है ना, तब भी प्लेट में निकालूँगी तब डालूँगी मैं, जितना खट्टा पसंद है उतना डाल लेंगे। अब देखिए मैंने ये एक बड़ा चम्मच भर के देसी घी लिया है, इसका मैं बगल लगाऊंगी, इसको गर्म कर लेती हूँ। देखिए घी भी एकदम बढ़िया गर्म हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको बगल लगा दूंगी इसका। अभी थोड़ा सा घी मैंने इसलिए बचाया है, तभी मैं प्लेट में सब्ज़ी निकालूंगी तो ऊपर से बगल लगाऊंगी। देखिए हमारी नहारी बन करके रेडी है। और आपको अगर ये केरी का अचार पसंद हो तो सर्व करते वक्त थोड़ा सा केरी का अचार भी डालें। अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर पसंद है तो ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो देखिए ये हमारी कितनी अच्छी नहारी बनकर रेडी हुई है, आप भी एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।